हर कोशिश में शायद सफलता नहीं मिल पाता, लेकिन हर सफलता का कारण कोशिश ही होता है। दोस्तों, आज का फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और दोस्तों, आज हम क्या करने वाले हैं, बहुत ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं दोस्तों, और जानकारी वाला भी है। तो इसीलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना। और हमारे पास है यहाँ पर, आप देख पा रहे हैं, जैसा कि एक हुनर का 7S मोबाइल फ़ोन। और दोस्तों, इसके अंदर मैंने 8 GB का मेमोरी कार्ड लगाया था, जो कि ख़राब हो चुका है अब। और इसको हम निकाल लेंगे और इसके हम फिर जला कर देखने वाले हैं कि इसके अंदर क्या होता है, और फिर क्या होता है जलने के बाद, तो कुछ बचता है या फिर नहीं बचता है, क्या होने वाला। सच में मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है इसके बारे में, इसीलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना। तो चलिए हम इसको करके देखते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसको निकाल लेंगे, इसके मेमोरी कार्ड को इसके अंदर से। पहले दिखा देता हूँ एक बार कि ये सही है या ख़राब है। मैंने मोबाइल को ओपन कर लिया है, अब यहाँ पर फाइल मैनेजर में जा रहा हूँ। और यहाँ पर दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मेमोरी कार्ड के लगे हुए भी यहाँ पर कुछ भी नहीं शो कर रहा है। यहाँ पर ये इसका इंटरनल मेमोरी कार्ड है, जो कि आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर एक्सटर्नल ये नहीं दिखा रहा है SD कार्ड। और इसको हम बंद करते हैं, इसका हम निकाल लेते हैं। तो इसके लिए हम चाबी से इसको निकाल लेंगे। दोस्तों, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इसका SD कार्ड है। गाइज, मैंने इसको निकाल लिया है, अब इसको मैं सामने रख देता हूँ, साइड रख देता हूँ। और आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, जैसा कि यहाँ पर कुछ शायद दोस्तों, ये कैमरा इतना क्लियर नहीं है कि इसको दिखा पाए, लेकिन अब शायद दिख रहा है। दोस्तों, देख पा रहे हैं आप, 70 MBPS का है, 8 GB और अनलिमिटेड 3.0 है। दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया चिप था, लेकिन अब ये ख़राब हो चुका है। दोस्तों, आपने देखा ही, जैसा कि मैंने मोबाइल से निकाल लिया था। और इसको अब हम साइड रख देंगे, और इसको हम एक कॉपर वायर लेंगे कोई सा भी, जो कि गले ना, और इसको हम लपेट देंगे इसमें कुछ इस प्रकार से, मजबूती किस्म से। इसको लपेट दिया, अब इसको हम दोस्तों जलाएंगे और फिर देखते हैं दोस्तों क्या होता है इसको। तो भाई, मैंने सेटअप कुछ इस प्रकार से कर दिया। एक ट्राईपोड में मैंने यहाँ पर कॉपर वायर को बांध दिया है, और यहाँ से होते हुए यहाँ तक मेमोरी कार्ड यहाँ पर लटक गया है। और हम इसको यहाँ पर मोमबत्ती से जलाने वाले हैं, तो यहाँ पर इसको हम रख देंगे मोमबत्ती को, और फिर इसमें आग लगा देंगे और फिर देखते हैं दोस्तों क्या होता है। तो इसको हम ले लेंगे यहाँ पर, और इसमें आग लग चुकी है। दोस्तों, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, जैसा कि अब इसको हम मोमबत्ती को ले जाते हैं इसके नीचे, और फिर देखते हैं दोस्तों क्या होता है। तो भाई, आप देख पा रहे हैं इसमें से चट चट की आवाज़ आ रही है। तो गाइज, ये जल के राख हो चुका है। दोस्तों, ये जल चुका है, इसके चट चट की आवाज़, यानी कि इसमें जो ट्रांजिस्टर और आदि सारे कंपोनेंट्स है, वो जल के खाक हो चुके हैं, यानी कि अंदर से जल चुके हैं। अब इसको और देते जलने देते हैं, और फिर देखते हैं दोस्तों इसमें और क्या क्या जलता है और क्या बचता है। तो भाई, इसको हम जा रहे हैं हटाने ट्यूजर की सहायता से। तो यहाँ पर हम इसको दोस्तों, इसका बहुत बुरा हाल हो चुका है। दोस्तों, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, वही मैं दिखा रहा हूँ साफ से। अब इसमें कुछ भी नहीं बचा है यहाँ पर। ये पता नहीं किस धातु की मेटल से बनी हुई है, कि ये अभी तक प्लास्टिक है या कोई और धातु है, जला ही नहीं ये। इसको हम करते हैं बंद, इसको साइड रख देते हैं, अब इसको हम खोल लेते हैं। तो गाइज, आप देख पा रहे हैं जैसा कि यहाँ पर इसका क्या हाल हो गया है। यहाँ पर मैं इसको छूते ही ये टूट गया दोस्तों, कंपाउंड इसका आपस में टूट गया। और यहाँ पर जैसा कि आप देखेंगे ध्यान से, तो दोस्तों मैंने जिस जैसे ही इस चिमटी से इसको छुआ, तैसे ही ये टूट गया। और इसके अंदर आप देख पा रहे हैं जैसा कि कुछ है बारीक बारीक चीज़, लेकिन पता नहीं ये क्या है। मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, तब ज़्यादा मज़ा आएगा।
दोस्तों इसके अंदर से दो ही चीज़ निकल रहा है, ये पता नहीं क्या है, मैं इसको साफ़ करके फिर दिखाता हूँ आपको क्या चीज़ है ये। तो भाई मैं जो है इसको सैनिटाइज़र की सहायता से ही साफ़ करूँगा ताकि अच्छे से ये साफ़ हो जाए। यहाँ पर मैं गई, ये क्या हो गया, ये तो गल गया, गल चुका है दोस्तों, जैसे ये कोई कागज़ गलते हुए जा रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे अगर ठीक से तो यार ये तो गल गया, जैसे इस पर मैंने सैनिटाइज़र को मारा तो ऐसे ही ये गल चुका है। इसमें दोस्तों सेमीकंडक्टर है यानी कि जर्मेनियम है इसके अंदर, और अगर ध्यान से देखेंगे, मेरा कैमरा उतना अच्छा तो नहीं है कि मैं साफ आपको दिखा पाऊँ, लेकिन मैं देख पा रहा हूँ, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर पता नहीं कितने वायर से बारीक बारीक से, और इसमें ट्रांजिस्टर भी लगे हुए थे और जर्मेनियम का परेट यहाँ पर था। आप देखेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से, यहाँ पर दोस्तों आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कुछ है, और यहाँ पर एक और पता नहीं क्या चीज़ थी। गैस जैसे कोई शीशा है या फिर यहाँ पर चमकने वाली चीज़ है कुछ। गैस यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये चमक रहा थोड़ा थोड़ा, लेकिन ये पता नहीं क्या चीज़ है, कुछ समझ में ही नहीं आता है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि डाटा स्टोर, सारा डाटा स्टोर इसी के अंदर होता था। ये पता नहीं क्या चीज़ है, मुझे पता तो नहीं है, लेकिन ये चमक बहुत तेज़ से रहा है, पता नहीं क्या चीज़ है ये। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये चमक रहा है बहुत तेज़ी के साथ, यहाँ पर ये पता नहीं कौन सी चीज़ है। इसको तोड़ के देखते हैं क्या होता है इसके अंदर। तो दोस्तों ये टूट भी गया है, पता नहीं क्या था, जैसे कोई शीशा, और इसके अंदर कुछ चमकदार चीज़ है, बहुत तेज़ी से चमक रहा है ये। ये टूट चुका है, तो दोस्तों सब टूट के बिखर गया आपस में, इसमें कुछ भी नहीं निकला। मुझे लगता था कुछ अजीब और इंटरेस्टिंग चीज़ होगा दोस्तों, तो इसके अंदर कुछ भी नहीं निकला, ये जल के कुछ ट्रांजिस्टर और कुछ सेमीकंडक्टर मेटल्स निकले, और वो भी बहुत कम मात्रा में निकले। तो दोस्तों बस आज का वीडियो यहीं पर, हम मिलते हैं एक नया वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।